प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में 18 सितंबर 2020 को खंड विकास अधिकारी के पद पर पूसा पाल ने कार्यभार ग्रहण किया। प्रधान संघ 96 अध्यक्ष संतोषी तिवारी, उपाध्यक्ष विनोद यादव, गुलाम रसूल आदि लोगों ने मां विंध्यवासिनी का स्मृति चिन्ह देखकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यभार संभालते ही ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक आदि लोगों का परिचयात्मक मीटिंग की। मीटिंग लेते समय सभी सचिव से हो रहे कार्य की जानकारी ली। कार्य में रुचि कम लेने वाले के प्रति नाराजगी जाहिर की। पत्रकार वार्ता में वीडियो ने बताया कि खंड विकास 96 में हो रहे विकास कार्य को तेजी देना है, जो कि प्रथम लक्ष्य होगा। NRLM तकनीकी सहायक, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रविकांत ओझा, सहायक विकास अधिकारी कोऑपरेटिव अवनीश कुमार यादव, JERS अभिषेक मिश्रा, अकाउंटेंट राजेंद्र प्रसाद, अमितेश कुमार, अखिलेश सिंह, आशीष मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, सौम्या सिंह, कृष्ण उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। नए जॉब कार्ड की समस्या, आवास की समस्या और जहां उनकी ज़रूरत हो तो निसंकोच उन्हें बताएं, खुद चलकर मामले का निराकरण करेंगी, ऐसा कहना रहा उनका। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शिवचरण बिंद की खास रिपोर्ट। मैडम, आप विकास खंड अधिकारी का जो कार्यभार आप संभाली है उसके लिए विकास खंड 96 के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से पहले विकास खंड 96 का विकास खंड अधिकारी के रूप में प्रभार पर चल रहा था जी। लेकिन आज से आप विकास खंड 96 का विकास खंड अधिकारी के रूप में जो कार्यभार संभाल रही है, इससे विकास खंड 96 का विकास की गति क्या है? देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी योजनाएं ग्राम पंचायत, ग्राम विकास, समाज कल्याण या अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, उनको पूरी समर्पण, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन कराया जाए, इसके लिए आज हम लोगों ने एक मीटिंग भी बुलाया है और हमारे सभी सेक्रेटरी, सभी TA यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे लाभार्थी हैं, यहाँ की जनता है, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का प्रयास करें।